कपकोर तहसील के अंतर्गत ग्राम चचई में भारी बारिश के कारण एक गौशाला ध्वस्त हो गई, जिसमें कई मवेशियों के जिंदा दफन होने की आशंका है। ग्रामीणों ने बताया कि गत रात्रि बारिश से चचई गांव की सुमोड़ा तोक में काफी नुकसान हुआ है। गांव में एक ग्रामीण का मकान भी ध्वस्त हो गया है। उपजाऊ खेत बह गए तथा खड़ी फसल तबाह हो गई। गांव के एक ग्रामीण का मत्स्य तालाब भी बह गया। इस घटना में रमेश राम, हरचंद, प्रेम राम, बलवंत राम, किशन राम तथा केदार राम सहित अन्य ग्रामीणों को काफी नुकसान पहुँचा है। ग्रामीणों ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। ये नुकसान तो सब कुछ अंदर जो राशन पानी था सब भीग गया है बरसात की वजह से। हाँ। और गाय बच्चे हैं वो बाहर बांधे हुए हैं, वो पीछे मकान के पीछे। हाँ। और क्या कहते हैं, बांधने बर्तन से पूरे टूट गए हैं। बीच में पटवारी साहब आए थे, उन्होंने भी कार्रवाई की, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ये अभी बाहर तो कभी किसी के यहाँ रह रहे हैं, एक दो दिन किसी के यहाँ मतलब ऐसे ही रह रहे हैं, शाम को रहने के लिए जा रहे हैं। हर शाम बारिश है, लगातार बारिश है। दो तीन मकान है यहाँ पे पूरे क्षतिग्रस्त होने वाले हैं, पूरे मतलब ये मकान टूटने वाले हैं। आज दो तीन दिन हो गए, बीच में ग्राम प्रधान भी आए, उन्होंने भी कार्रवाई तो की, वही लाए पटवारी साहब को लेके आए इधर, लेकिन वो भी आए पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया वहाँ से। इनके पास मतलब रहने की व्यवस्था है ही नहीं, इधर उधर जा रहे हैं आदमी को, वो वहाँ ऊपर है, वहाँ खुले में गाय बछड़ी तो खुले में है, उधर बांधे पानी बर्तन सब बाहर है, सब बाहर है, राशन पानी पूरा मतलब गीला हो गया था। यहाँ वो बगल में भी सो रहा था, वहाँ भी वैसे हो रहा, यहाँ भी सो रहा था, यहाँ भी ऐसा हो रहा। यहाँ हमारे दीदी का कमरा था, मेरा कमरा तो यही था साहब। सीसीएन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।